आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार दोबारा क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो ठीक लगे, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, आपके यूज़ लायक है, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें। और एक्चुअली हमारा मेन फोकस है नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं हम। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देख रहे हैं। हमने क्या क्या देखा है हल्का सा समराइज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे हम और आगे क्या देखने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स था उसमें मेटल था और लिगेंड था, ऐसा कोई चार्ज नहीं था। तो सिंपली नाम कैसे लिख रहे थे, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और उसके बाद फिर किसका लिखा जाएगा, मेटल का नाम लिखा जाएगा, और जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और वो भी किस में लिखा जाएगा, रोमन नंबर में लिखा जाएगा। ये बात देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने दूसरी कंडीशन देखी थी। दूसरी कंडीशन क्या देखी थी कि आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है और इसके आगे यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज आयंस प्रेजेंट हैं, ऐसे आयंस, कोई भी आयंस हो सकते हैं ऐसे। तो अगर निगेटिव आयंस यहाँ प्रेजेंट हैं तो यानी कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन स्फेयर के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यानी कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर कैसा होगा, कैटायनिक होगा, ऐसा। और जब इसका नाम लिखा जाता है तो कैसे नाम लिखा जाता है, तो इसका नाम भी लिखेंगे हम लोग, तो किस तरीके से, तो बिल्कुल वही तरीका अपनाते हैं। देखिए, पहले लिगेंड का नाम, अगर लिगेंड की संख्या एक से ज़्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा एंड ऑक्टा, इन वर्डों का इस्तेमाल करिएगा। फिर मेटल का नाम लिखा जाएगा, और लास्ट में जो भी आपका ये आयन है उसका नाम लिखा जाएगा। ये देख चुके हम लोग हैं पिछले वीडियो में। ऐसे बच्चे जो नए हैं इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब देखें यहाँ पर अगली बात, अगर लिगेंड की संख्या ज़्यादा है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं, तो निगेटिव वाले लिगेंड को पहले लिखिए, फिर न्यूट्रल को लिखिए, और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड को लिखा जाएगा। ये रूल है। अब एक ही तरह के दो हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी फॉलो करेंगे आप। इस पे आधारित हम लोगों ने ढेर सारे नाम लिखे हैं इसके पिछले वाले सेशन में, तो ऐसे बच्चे जो नए हैं वो पिछला वाला वीडियो जाके देखें। अब हम क्या देखने जा रहे हैं इस वाली क्लास में, हम क्या देखेंगे इस वाली क्लास में, हम ये देखने जा रहे हैं कि अब जो है, अब देखिए यहाँ पे, अब जो है इधर देखें, अब इस साइड में कोई पॉजिटिव आयन होगा और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर काउंटर आयन होगा पॉजिटिव चार्ज वाला। तो इस बार काउंटर एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर काउंटर एंड पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को क्या कहेंगे, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। अगर निगेटिव चार्ज है तो किस वर्ड का इस्तेमाल होगा, एनायनिक। तो एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात की जाएगी कि अगर एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो नाम कैसे लिखा जाएगा। तो नाम लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले ये जो केटायन है इसका नाम लिख दीजिए। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सबसे पहले लिखना है नाम किसका, केटायन का। यहां पर जो केटायन होगा उसका नाम जैसे है वैसे लिखिए, कुछ करना नहीं आपको है। फिर क्या करिए, फिर देखिए, अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का रूल नहीं चेंज होता है। अब इसके बाद किसका नाम आएगा, लिगेंड का, नंबर के साथ। तो अब नाम किसका आएगा, लिगेंड आएगा। अगर संख्या ज्यादा है तो वही डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा, जो वर्ड होगा उसका इस्तेमाल करिएगा लिगेंड के नेम के पहले। तो फिर लिगेंड का नाम लिखिएगा। फिर किसका नाम लिखा जाएगा, मेटल का। तो फिर नाम किसका लिखिएगा भाई, मेटल का नेम लिखिएगा। इस बार थोड़ा सा चेंज है, मेटल का नेम जो अंतिम में होगा उसमें एट लगाइएगा जरूर से, जो भी नाम होगा उसमें एट लगेगा लास्ट में, ऐसे तो एट लगाइएगा इसमें, जैसे भी करके दिखाएंगे आपको। और फिर क्या करिएगा, नाम लिखने के बाद फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और किसमें रहेगा, रोमन में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ऐसे बस ये रूल है, सिंपल सा ये रूल है, इसी को फॉलो करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। दो नाम कुछ अलग लिखे जा रहे हैं इस फॉर्म में। जब कभी भी एफ ई आएगा, देखिए यहाँ पे, तो एफ ई का नाम यहाँ पे आयरन नहीं लिखा जाएगा,
ऐसा क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वो होता है फेरेट। एक्चुअली एफ जो है फेरम से बना हुआ वर्ड है, फेरम। तो वहां से हम लोग एट लगा करके इसको फेरेट के नाम से जानते हैं। तो एक इस नाम को ध्यान रखिएगा। दूसरा एजी का नाम ध्यान रखिएगा, ये एजी को हम सिल्वर कहते हैं। तो यहां पे जो नाम इस्तेमाल होगा सिल्वर नहीं इस्तेमाल होगा। क्या नाम इसको कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अर्जीनेट। ऐसा तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। सिल्वर के केस में क्या नाम लिखना है इसको ध्यान रखिएगा, और आयरन के केस में कौन सा नाम लिखना है इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब में एट वर्ड लगाइएगा। जैसे निकिल है तो निकलेट, एट। जिंक है तो जिंकेट, ऐसे होगा। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनेट, ऐसे करके। तो खाली एट वर्ड पीछे जोड़ देना होगा। बाकी इन दो में थोड़ा सा अलग था तो मैंने पहले लिख दिया है। ओके, तो नोट कर सकते हैं कि अगर सिल्वर है तो ये नाम लिखा जाएगा और आयरन है तो ये नाम लिखा जाएगा। अब करके देखा जाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितना एग्जांपल करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल जो है करने की कोशिश किया करें। देखते हैं एक दो एग्जांपल हम भी यहाँ पे करके देख रहे हैं कि क्या नाम लिखा जाएगा इसका। तो मेरे पास भी एग्जांपल होंगे ढेर सारे, तो उन्हीं एग्जांपल में से हम करवा दे रहे हैं आपको। देखिए पहला एग्जांपल, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज आ गया, पहले में ही आ गया K4FeCN6। इसका नाम लिखना है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज पहले है ऐसे, तो यानी आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैसा है? एनायनिक है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर एनायनिक है तो कैसे इसका नाम लिखा जाएगा, तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम लिखिए, जो भी केटायन आपका है तो क्या है भाई? पोटेशियम आयन। तो क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम, पोटेशियम ऐसे। अब देखिए पोटेशियम हो गया, अब लिगेंड का नाम आइए भाई, लिगेंड कौन है? सीएन है। कितने? छह की संख्या में है, तो क्या लिखा जाएगा? हेक्सा। सीएन को कहते साइनो, सीएन इज अ साइनो, तो हेक्सा साइनो। अच्छा एफई को भी देखो, मैंने बताया कि फेरेट लिखा जाता है, तो हेक्सा साइनो क्या लिखा जाएगा? फेरेट ऐसा। और देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए फट से इसका। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसका? तो ये देखिए पोटेशियम पर चार्ज प्लस वन का है, चार हैं, तो चार का मतलब हो गया चार प्लस हो गया ऐसे। आयरन का निकालना एक्स कर दीजिए, प्लस एक सीएन पे माइनस वन का है, सीएन पे कितना चार्ज है? माइनस वन का, छः हैं तो यानी सिक्स इंटू माइनस वन, और ये सब बराबर जीरो कर दीजिए ऐसे। तो ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू, यानी ये किस स्टेट में है? प्लस टू में हो गया नाम। देखिए आसान से हो गया, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, ऐसे नाम लिखा जा रहा है। तो ये हमने पहला नाम लिख के आपको दिखाया है। अगला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी हमारे पास है। देखिए अच्छा हाँ, काउंटर आयन की नंबरिंग नहीं लिखी जा रही है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। चाहे काउंटर आयन पॉजिटिव आयन हो चाहे निगेटिव आयन हो। देखिए यहाँ पे मैंने टेट्रा नहीं किया है पोटेशियम, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप ये मिस्टेक भी करेंगे। अगला नाम देखिए, नेक्स्ट जो मेरे पास है वो है K2ZnOH4। खुद से लिखिए, देखिए खुद से लिखिए। देखिए फिर से क्या है, फिर से आपका पोटेशियम, पोटेशियम कह रहे हैं पॉजिटिव आयन पहले है, इसका मतलब ये एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके लिए करिए। तो फिर पोटेशियम है तो पोटेशियम लिख दीजिए पहले, पोटेशियम। देखिए पोटेशियम हो गया। फिर लिगेंड का नाम चार है, मतलब टेट्रा, टेट्रा ओएच को एक्वा कहते हैं, टेट्रा एक्वा। जिंक में एटीई लगाना है, यानी जिंकेट, जिंकेट एटी लगा दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बारी है, ऑक्सीडेशन नंबर की बारी है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इसका हो गया, देखिए एक पोटेशियम प्लस एक, तो दो के लिए दो लिख दिया। जेडन का निकालना है, ओएच पर माइनस वन होता है तो चार है तो माइनस चार हो गया बराबर जीरो। ये हो गया एक्स माइनस टू बराबर जीरो, एक्स बराबर दो, यानी जिंकेट भी किस स्टेट में है? टू स्टेट में है, प्लस टू में। तो इस तरीके से आप इसका नाम भी आसानी से लिख सकते हैं। तो इधर का नाम लिखना तो और आसान हमको लग रहा है, पहले से भी आसान है।
तो ये लिख दिया हमने। अगला देखते हैं, अगला भी मेरे पास होगा, मेरे पास हाँ अगला भी हमारे पास है। नेक्स्ट एक मिनट जस्ट रुक जाइए, मैं जिसमें पॉजिटिव आयन हो ये देखना पड़ रहा मुझे। ठीक मिल गया, एक और मिला मुझे, देख नेक्स्ट इज ऊपर ही लिखते हैं, नीचे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ऊपर ही लिखते हैं, इसे हटा दे रहे हैं, फिर से ऊपर ही लिखते हैं। अगला नाम, ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बिल्कुल करें। देखिए यहाँ पे K4NICN4, देखिए आसान सा नाम, एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखने से लग रहा है। नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखिए पोटेशियम, बिना नंबर के, भूल नहीं गए ना, ऐसा नहीं टेट्रा पोटेशियम लिख दिया कोई, तो पोटेशियम चार है तो मतलब टेट्रा, क्या चीज, साइनो होगा ना भाई। निकिल, निकिल नहीं लिखा जाएगा, निकलेट लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, एनायनिक है, तो क्या लिखा जाएगा, पहले निकिल की स्पेलिंग लिख लीजिए और ATE लगा दीजिए, निकलेट। कोऑर्डिनेशन सब हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम हो गए। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में देखिए ये होगा चार, एक पोटेशियम में प्लस एक तो चार पे प्लस चार, निकिल एक्स माना गया है और CN एक CN पे माइनस वन है तो चार पर ऐसे हो जाएगा, सब बराबर जीरो कर दीजिएगा तो हो जाएगा चार प्लस एक्स माइनस चार बराबर जीरो, कैंसिल हो गया, एक्स बराबर जीरो आ रहा है भाई यहाँ पे, अच्छी बात है, तो जीरो लिखिएगा, हो गया आसान सा। तो ये भी हमने देख लिया है। ओके नेक्स्ट 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 भी कोई है मेरे पास है, और चलिए एक और आ गया मेरे पास, K3FECN6। अभी K4 किया गया है, इस बार K3 आ गया है, करके देखते हैं। नाम में यहाँ तो चेंज नहीं आएगा, पोटेशियम तो पोटेशियम ही लिखा जाएगा, तो यहाँ तो कोई नंबर से चेंज नहीं आता है नाम में, ठीक है भाई। यहाँ पर आइए, यहाँ पर हेक्सा लिखा जाएगा 6 के नाते और साइनो भी लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आयरन को फिरेट कहते हैं सभी जान रहे हैं, तो भाई फिरेट लिखा जाएगा यहाँ पे, ATE लगाया जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर में फ़र्क आएगा, देखिए जरा सा, देखिए इसका तीन है, पोटेशियम का तीन हो गया प्लस तीन, आयरन का निकाल आप रहे हैं और CN के लिए हो गया माइनस छः और ये बराबर जीरो, तो अब जो आएगा आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीन प्लस एक्स माइनस छः बराबर जीरो, एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर तीन, यानी ये ऑक्सीडेशन तीन में है, तो इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। तो ये नाम भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख करके देख लिया है, कुछ और भी नाम हमारे पास हैं, जल्दी से लिख करके इसको भी पूरा करते हैं, इसे हटा दें, देखिए हटा रहे हैं, जल्दी से हटा दे रहे हैं, चलिए कुछ और भी नाम हमारे पास होंगे तो हम उनको भी देख लेते हैं। हाँ एक देखिए थोड़ा सा अलग करके है, जैसा आप खोजते हैं कि भाई ऐसा भी कुछ अनयूजुअल टाइप का हो, कहते हैं भाई सर थोड़ा सा अनयूजुअल बताइए, कि अब देखिए भाई ऐसे नाम लिखिए, अब इस तरीके देखिए नाम लिखना है। तो अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले जो है जो जिस आयन के नाम में जाना जाता है, तो आयरन को आयरन आयन के फॉर्म में बोलते हैं, तो ये आयरन ही लिखा जाएगा, इसको फिरेट नहीं करना है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो उसको फिरेट बोला जाता है, तो ये आयरन ही लिखा जाएगा और फिर क्या लिखा जाएगा, हेक्सा इसके नाते और साइनो ऐसे, अब ये फिरेट बोला जाएगा, यानी अब इसको लिखा जाएगा फिरेट ऐसा, और निकाल लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना चाहेंगे तो ये आपका आयरन हो गया प्लस टू स्टेट में ऐसा, एंड प्लस एक्स, ये एक्स हो गया और ये हो गया Fe ही कि Fe2 है कुछ है सर, अच्छा नहीं खाली Fe दिया, ठीक है, और ये हो गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस चार इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर चार, यानी ये इस समय फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऐसा हो गया आसान से, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं आप हुए हैं इसमें, तो ये आसान था आपके लिए। और कोई मेरे पास है क्या, हाँ एक और है मेरे पास, देखिए एक और है K4 इन ब्रैकेट NI एंड CN4, देखो भाई एक और आया, इस बार चेंज है आपका आयन, ये तो पोटेशियम ही रहेंगे साहब, ये तो चेंज होंगे नहीं, तो ये पोटेशियम ही लिखा जाएगा
चार है तो यानी टेट्रा पोटेशियम टेट्रा, सीएन मतलब साइनो, सीएन इज अ साइनो, निकल निकलेट तो एन आई के ई एल और ए टी ई। अब बारी है ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये प्लस चार देखिए निकालते हैं, प्लस चार निकल एक्स माना जाएगा ओके, प्लस सी एन पे माइनस एक है तो ये हो जाएगा माइनस चार बराबर जीरो। तो कैंसिल हो जाएगा क्या भाई, सब कैंसिल हो जाएगा, देखो भाई तो चार प्लस एक्स माइनस चार बराबर जीरो कैंसिल, एक्स बराबर जीरो, अच्छी बात है जीरो लिखोगे हो गया। तो ये भी बहुत आसान था, इसको भी हम लोगों ने देख लिया करके, तो ये ढेर सारे हमने किए हैं। और भी है क्या अपने पास कोई ऐसा, रुक जाइए एक मिनट रुक जाओ भाई, अभी देख लेते हैं कोई एक दो चार मेरे पास होगा तो मैं जल्दी से बता दूंगा, एक मिनट देख लेते हैं जैसा। देखिए कुछ मैंने नाम लिख दिए यहाँ पे हैं जिससे आपको आसानी रहेगा, नाम लिखते हैं ऐसा, इसका कंपाउंड मैंने लिख दिया है। तो ये पहला जो है के इन ब्रैकेट पी टी एन एस थ्री सी एल फाइव नाम लिखना है। फिर से देखिए एग्जांपल एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का है क्योंकि पॉजिटिव आयन पहले है, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, तो नाम लिखा जाएगा पोटेशियम सबसे पहले, पोटेशियम ये पोटेशियम के नाते। फिर देखिए दो तरह के लिगेंड हैं, एक आपका निगेटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, तो निगेटिव वाले को पहले लिखिए, तो यानी ये लिखा जाएगा पेंटा, पेंटा पाँच है पेंटा, सी एल का मतलब क्लोरो, क्लोरो, एन एस थ्री को क्या लिखते हैं एमीन, तो ए डबल एम आई एन ई एमीन। प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा प्लेटिनेट। अब बारी है ऑक्सीडेशन नंबर की, निकाल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम के लिए वन ये हो गया, प्लेटिनम के लिए एक्स, एन एस थ्री इज अ जीरो एंड सी एल पर चार्ज है एक का, तो पाँच है तो माइनस पाँच और ये सब बराबर जीरो के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स, एक यहाँ से माइनस हो जाएगा तो माइनस चार हो जाएगा बराबर जीरो, एक्स बराबर चार के, यानी जो आपका प्लेटिनम है ये फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऐसे फोर लिख दीजिएगा। इसको हटा देते हैं फिर यहाँ से, अगला देखते हैं करके देखते हैं। देखिए इस बार एन ए थ्री है इन ब्रैकेट सी ओ सी एन होल सिक्स है, इसको करना अगर है तो एन ए है, एन ए सोडियम कहते हैं तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम एन कहते हो ना तो सोडियम लिखा जाएगा। आइए इसमें अंदर आइए, इसमें हो जाएगा हेक्सा, हेक्सा सी एन को साइनो कहते हो तो साइनो, हेक्सा साइनो, सी ओ इज अ कोबाल्ट तो हो जाएगा कोबाल्ट, सी ओ बी ए एल टी और फिर ए टी ई कोबाल्टेट, ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो ये हो जाएगा सोडियम का प्लस तीन हो जाएगा, सी ओ या एक्स लिख दीजिए, सी एन का माइनस छः हो जाएगा, सब बराबर जीरो के हो जाएगा, इसका मतलब एक्स माइनस तीन बराबर जीरो, एक्स बराबर तीन, यानी इस बार कोबाल्ट जो है वो प्लस थ्री स्टेट में है, ऐसे लिख दीजिए। इस पे आइए देखिए पोटेशियम फिर आ गया पहले, पोटेशियम क्या लिखा है, पोटेशियम के इन ब्रैकेट ए जी सी एन का स्क्वायर लिखा है, होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज है, पोटेशियम हो गया, फिर दो है सी एन तो यानी डाई होगा तो डाई साइनो, ऐसा अच्छा ए जी को क्या बोले हैं अर्जेंटेट तो वो नाम लिखा जाएगा अर्जेंटेट, ऐसा ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखिएगा, देखिए पोटेशियम के लिए प्लस वन लिखिएगा एक ही है, ए जी के लिए एक्स लिखिएगा और सी एन के लिए हो जाएगा माइनस टू और सब बराबर जीरो हो जाएगा, एक सी एन पे माइनस वन है तो ये एक यहाँ से माइनस कर दीजिए तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका वन, यानी सिल्वर प्लस वन के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं, इस बार सोडियम फिर है, देखिए एन ए टू इन ब्रैकेट एस आई एफ सिक्स है, तो पहले सोडियम है, सोडियम है पहले लिखा जाएगा, फिर अब देखिए सोडियम के बाद अब किसका नाम लिखा जाएगा, ये एस आई जो है ये क्या है मेटल है तो एफ सिक्स लिखा जाएगा, तो एफ सिक्स का मतलब हो गया हेक्सा, एफ को लिखते हैं फ्लूरो तो एफ एल यू ओ आर ओ फ्लूरो, तो हेक्सा फ्लूरो
Si इज अ सिलिकॉन, तो लिखा जाएगा सिलिकेट, लिखा जाएगा सिलिकेट ऐसा। ऑक्सीडेशन नंबर जब देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम के लिए प्लस टू, एक सोडियम पे प्लस वन है तो दो पे प्लस टू, इसको एक्स लिखेंगे। फ्लोरीन के ऊपर माइनस एक का चार्ज होता है तो छः है तो छः हो जाएगा माइनस छः, तो ये माइनस हो जाएगा यानी एक्स माइनस चार बराबर जीरो, एक्स बराबर चार यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा फोर। रोमन में लिखना है तो रोमन में लिख दीजिए ऐसे। तो ये कुछ एग्जांपल हम लोगों ने और देखे हैं, और भी आपके पास बुक में एग्जांपल है तो उसको भी देखेंगे। अभी इसमें एक सेक्शन और हमारे पास है, जब थोड़ा सा क्या होगा, जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएंगे तो उसमें हम कैसे करेंगे, तो उसको हम जो है अगले टर्न पे देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन या बाइडेंटेट आते हैं या ट्राइडेंटेट आते हैं तो उस समय हम लोग कैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और इसे देखते रहें और लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू।